पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फेस किया, बट मैं जब अपने हिमालयन को चलाता हूँ अराउंड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, तो उस स्पीड में मेरा जो स्टॉक मिरर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के कारण आपके पीछे जो क्या पीछे कोई गाड़ी है या कुछ भी आता है तो वो बहुत ही धुंधला दिखता है। सो दिन में क्या है, दिन में आप तब भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बाइक आ रहा है कि गाड़ी आ रहा है या ऐसा कुछ, बट रात में आपको कुछ नहीं दिखाई देता, बस एक लाइट, एक हल्का सा लाइट, धुंधला लाइट हिलते हुए दिखता है। सो इसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, और ऊपर से ये जो स्टॉक मिरर है वो बहुत पुराने हो जाने के बाद, धीरे धीरे जब पुराना हो जाता है तो ये जो मिरर है वो अपने स्टेम से एकदम लेफ्ट राइट हो जाता है, मतलब उसमें जो पकड़ था पकड़ है वो पकड़ ख़राब हो जाता है। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे डबल टेक मिरर्स जो मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं फ्रॉम बाइक एंड बाइकर। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज द बॉक्स दैट इट कम्स विथ। सो बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता दूं। बॉक्स में मिलता है जो आईना के सेट है उसमें मिलता है आपको ऐसे दो आईने मिरर, और फिर रैम के बॉल हेड दो, उसके बाद रैम के ये जो स्टेम माउंट है ये स्टेम मिलता है आपको दो, और फिर आपको मिलता है ये अडैप्टर जो आपके मिरर है वो आपके हैंडल बार के साथ कनेक्ट करता है। सो ये है एक पूरा सेट। अब ये मुझे कुछ पड़ा अराउंड 15,000। सो अगर आपका बजट बड़ा है तो फिर मैं कहूँगा आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस, इट्स अ वेरी गुड मिरर। बट अगर आपका बजट थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा है, सो मैं कहूँगा मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे KTM 390 के मिरर्स और हीरो एक्सपल्स के मिरर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो आप इन दो मिरर्स के साथ भी जा सकते हैं रैदर देन गोइंग विद हिमालयन का स्टॉक मिरर्स। सो चलिए जल्दी से इसको हमारे बाइक पर लगाते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ कि मैं ये कैसा लगता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर यू इंस्टॉल द मिरर्स ऑन द बाइक। बाकी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसे कोई चीप मटेरियल नहीं लगता है, चीप मटेरियल से बना हुआ नहीं लगता है। अब मैंने इसका एडवांटेजेस ये है कि जैसे अभी आप कभी गिरते हो बाइक से, सो लैंड करने के बाद, ज़मीन पर लैंड करने के बाद ये जो है वो आपका ऐसे उड़ जाएगा, सो टूटने का डर नहीं है आपका मिरर्स। ऊपर से आपका यहाँ पे इस मिरर पे दो जॉइंट, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, सो दो जॉइंट होने के कारण आपका जो वाइब्रेशन है वो वहीं पे कट जाता है। सो द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है बाइक के हैंडल से वो बहुत ही कम हो जाता है बाय द टाइम ये मिरर तक जाता है, तो इसलिए विजिबिलिटी जो है वो और भी बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है इसका जो मिरर है वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी वाइड है, सो जिसके कारण विजिबिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। ग्लास का क्वालिटी जो है वो भी बहुत बढ़िया है, बाकी हाँ थोड़ा महंगा है, सो इसलिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जिनका बजट थोड़ा अपर सेगमेंट में है, उन्हीं के लिए है ये मिरर। बाकी बाइक को भी बहुत ही प्रीमियम लुक देता है ये मिरर, सो अगर आपको पसंद आए तो यू कैन गो फॉर इट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मिरर आप जब इसे लेते हो तो ये आता है इसका जो वो है टाइट करने के लिए, और नॉब जो है वो कुछ ऐसे आता है टाइट करने के लिए और लूज करने के लिए। सो अगर आप इसको लगाते हो तो मिरर आपका आसानी से कोई भी चोरी करके ले जा सकता है, सो फॉर दैट रीज़न आपको एडिशनल एक अलग से एक लॉक खरीदना पड़ेगा रैम का, जिसका प्राइस अलग से आपको एक 750 पर पीस करके पड़ेगा। सो ये अलग से दो पीसेस लेने पड़ेंगे, और एक बार ये आप ले लेते हो सो ये जो नॉब है ये रिप्लेस करके अपना लॉक आ जाता है, सो लॉक करके आप एक बार इसको लॉक कर दो तो उसके बाद कोई भी बंदा इसको खोल नहीं सकता। सो गाइज, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।